हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन के छिलके से सांभर। तो हाँ फ्रेंड्स, वाटरमेलन के छिलके का टेस्ट बिल्कुल कद्दू की तरह ही होता है। वे मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया और जब मैंने इससे सांभर बनाई तो घर में सब लोग खा के कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये मैंने लौकी के साथ बनाया है या वाटरमेलन के छिलके के साथ, जिसे हम अक्सर वाटरमेलन घर लाते हैं और उसके छिलके को हमेशा हम फेंक देते हैं। तो आज मैं इसके साथ बहुत ही टेस्टी सांभर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कुकर गर्म किया है और ये मैंने दाल को पहले ही बॉयल कर लिया था फ्रेंड्स, नमक हल्दी के साथ। मैंने तेल गरम करके राई और करी पत्ता का तड़का लगाया है और उसमें मैं ये प्याज भून रही हूँ। मैंने 3 मीडियम स्लाइस के प्याज कट किए हैं, रफली चॉप किए हैं, ज़्यादा मैंने उसे पतला नहीं काटा है। और मैं इसे हल्का ब्राउन करूँगी तेल में। तो फ्रेंड्स, ये सांभर जो बनेगी ये बहुत ही हेल्दी होगी, टेस्टी तो होगी ही, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी होगी, क्योंकि वाटरमेलन के छिलके में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मेरे प्याज भून गए थे तो मैंने इसमें ये 3 टमाटर रफली चॉप मैंने डाल दिया है और ये वाटरमेलन का छिलका जिसे मैंने पीसेज में कट कर लिया है तो मैं उसे भी इसमें डाल के इसे भून रही हूँ। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस 2 मिनट के लिए ही हम इसे भूनेंगे। और मैं इसमें अब थोड़ी सी कटी हुई भिंडी डाल रही हूँ, मेरे पास ड्रम स्टिक नहीं थे तो मैं भिंडी डाल रही हूँ उसके जगह पे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरे घर में सभी को पसंद है तो मैं इसे डाल रही हूँ। और मैं अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। नमक यहाँ आप हिसाब से ही डालें, क्योंकि हमने जब दाल को बॉईल किया था तो उसमें नमक हल्दी मैंने पहले भी डाला था, तो फिर मैं उसी के हिसाब से डाल रही हूँ। और इसमें दूसरा कोई भी मसाला नहीं जाएगा, ना अदरक ना लहसुन, ये काफ़ी सिंपल ही बनेगी। और मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, जिससे हमारे सांभर का कलर काफ़ी खूबसूरत आएगा और देखने में काफ़ी यम्मी होगी। तो ये मैं अब इसमें सांभर मसाला डाल रही हूँ। मैं ये 2.5 छोटे चम्मच सांभर मसाला यहाँ डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे सांभर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये सांभर मैं 8 से 10 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर दें। और ये यहाँ मैं इमली दिखा रही थी, जिसे मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी अभी और वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो ये हमारा मसाला अब लगभग भून ही चुका है। अब इसमें हम अपनी दाल जो मैंने बॉयल पहले ही कर ली थी, तुअर की दाल, वो डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि दाल काफ़ी गाढ़ी थी। तो ये सांभर की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हो, मुझे थोड़ी सी पतली पसंद है तो मैंने फिर उस हिसाब से पानी। अब मैं यहाँ पर ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगा दी हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सांभर रेडी हो गई है। तो मैं इसमें इमली का पल्प जो मैंने दिखाया था उसका पानी डाल रही हूँ। तो ये भी खट्टा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितना खट्टा पसंद है। तो ये हमारी सांभर रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और एक यूनिक चीज़ आपने मुझसे सीखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।